गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास फिफ्थ इंग्लिश लेसन फिफ्थ टेल ऑफ एन एमर। कहानी जो है एक निशानेबाज की है। नियर द बैंक ऑफ रिवर रेसी इन स्विट्जरलैंड लिव्ड अ गुड मैन कॉल्ड विलियम टेल। नियर तो नज़दीक, बैंक ऑफ रिवर रेसी, रेसी नीवर नदी के किनारे, इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में लिव्ड अ गुड मैन, एक अच्छा व्यक्ति रहता था, कॉल्ड विलियम टेल, उसका नाम था विलियम टेल। ही वॉज अ शेफर्ड हु टेंडेड हिज फ्लॉक विद केयर एवरी डे। ही वॉज अ शेफर्ड, और वह जो है एक भेड़ पालन करने वाला था, भेड़ का रखवाला था, भेड़िया था, सॉरी क्या कहें उसको, भेड़ों का पालन करने वाला था, गड़ेरिया। हु टेंडेड हिज फ्लॉक विद केयर एवरी डे, और वह उनकी देखभाल बहुत सावधानीपूर्वक करता था। ही वर्कड हार्ड टू अर्न हिज मनी एंड स्पेंट इट विद प्रूडेंट थ्रिफ्ट। ही वर्कड हार्ड टू अर्न हिज मनी, और वह पैसे कमाने के लिए बहुत अधिक कठिन परिश्रम करता था। एंड स्पेंड इट विथ प्रूडेंट, और भविष्य की चिंता करने के साथ ही वो अपने संसाधनों का पूरा उपयोग सावधानीपूर्वक करता था। प्रूडेंट थ्रिफ्ट, भविष्य की चिंता के साथ संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग। ही वॉज नॉट ग्रेडी बट कंटेंटेड विथ वॉट ही हैड, वह लालची नहीं था, बट कंटेंटेड मीन सेटिस्फाइड, वह जो उसके पास था वह उससे संतुष्ट रहता था। सो हिज लाइफ वॉज हैप्पी एंड पीसफुल, इसलिए उसका जीवन जो था वो प्रसन्न था और शांतिपूर्ण था। द स्विस मैन वेयर वेल नोन हंटर्स, और वह स्विस स्विट्जरलैंड का निवासी जो था वह विख्यात प्रसिद्ध था एक शिकारी के रूप में। टेल टू हैड ए स्पेशल स्किल इन हिज फील्ड, और टेल को जो है अपने क्षेत्र इस क्षेत्र में जो है दक्षता हासिल थी। ही नेवर मिस्ड एन एम, और कभी जो है उसका निशाना चूकता नहीं था। टेल हैड ए स्मॉल सन, गुड लुकिंग, स्वीट नेचर्ड एंड केयरफुल। टेल हैड ए स्मॉल सन, टेल का एक छोटा बेटा था, गुड लुकिंग, देखने में वो सुंदर था, स्वीट नेचर, और मधुर स्वभाव का था, एंड चेयरफुल, प्रसन्नचित रहता था, सदैव प्रसन्न रहता था। ही वॉज द एप्पल ऑफ टेल्स आईज, द डार्लिंग ऑफ हिज मदर एंड द जॉय ऑफ द फैमिली। ही वॉज द एप्पल ऑफ टेल्स आईज, वह टेल्स की को बहुत प्यारा था, बहुत प्रिय था, डार्लिंग ऑफ हिज मदर, और अपने माँ का दुलारा था, एंड द जॉय ऑफ फैमिली, और परिवार की प्रसन्नता थी, खुशी थी, वह खुशी था वह। एवरी सिप ऑफ हिज फादर वॉज वेरी एवरी सिप ऑफ हिज फादर वॉज बॉयज फ्रेंड, उसके पिता ने जो भी भेड़ पाल रखा था वो सभी जो है उस बच्चे की दोस्त थी। ही कॉल द लैम्स बाय देयर नेम्स, वह उन मेमनों को जो है वो भेड़ के बच्चों को बाय देयर नेम्स, उनके नाम से पुकारा करता था। वेन दे फॉरलिक, जब वह उनके साथ खेलता था, प्रसन्न मूड में होता था, होती थी वो सब जो है इन द फील्ड, खेत में वो घूमती थी, टहलती थी। द बॉय टू शेयर देयर गेम, तो बच्चा भी उनके खेल में भाग लेता था, और उनके मेमनों को मतलब भेड़ के बच्चों को नाम से बुलाता था, उनका नाम रखा था वो। एट दैट टाइम स्विट्जरलैंड वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन पावर, और उस समय जो है स्विट्जरलैंड किसके अधिकार में था, ऑस्ट्रियन पावर, ऑस्ट्रियन उस पर शासन करते थे। द ऑस्ट्रियन रूलर्स ट्रीटेड द स्विस विथ कंटेम्प्ट, और ऑस्ट्रियन रूलर जो थे वो शासन करने वाले जो थे वो स्विस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वंस ए हॉटी एंड क्रूएल मैन कार्ल गेस्लर वॉज द रूलर, एक बार की बात है कि एक तानाशाह और कठोर व्यक्ति जिसका नाम था गेस्लर वह शासक बना। वन डे ही हैपेंड टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट ऑफ ए टाउन कॉल्ड एल्टरड्रॉफ, वन डे एक दिन की बात है, ही हैपेंड टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट, वह सड़कों पर टहल रहा था, टू ए टाउन कॉल्ड एल्टरड्रॉफ, एल्टरड्रॉफ शहर में वह टहल रहा था। इन अ मूड ही वॉन्टन प्राइड, किसी की परवाह न करते हुए इस मूड से वह ग्लेस्लर ऑर्डर्ड हिज कैब टू बी सेट इन हाई प्लेस, कि उसकी जो है टोपी को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, इन द मार्केट, बाजार में। देन ही गेव द ऑर्डर, उसके बाद उसने आदेश दिया, बो डाउन यू स्लेव, सर झुका लो, तुम लोग दास हो, गुलाम हो। एनी वन हु डेयर टू डिसोबे शैल पे विथ हिज लाइफ, यदि कोई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको उसकी कीमत जो है जान देकर चुकानी पड़ेगी। द स्विस वेयर फोर्स टू बो डाउन
फॉर फियर ऑफ देयर लाइव्स, अपने जान की भय से, डर से जो है स्विस जो है वो सर झुकाने के लिए बाध्य हो गए. इट सो हैपेंड दैट टेल केम टू अल्ट्रा टाउन विथ हिज लिटिल सन ऑन सब बिजनेस. इट सो हैपेंड, और इसमें क्या था, टेल जो है विलियम टेल अपने बेटे के साथ उस अल्ट्रा शहर में आया था विथ हिज लिटिल सन ऑन सम बिजनेस, कुछ बिजनेस के लिए, काम के लिए. टुडे आई विल स्टॉप इट हियर. रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच इट टुमारो. थैंक्स.